राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको प्रभाव आम मानिसहरूमा कस्तो परेको थियो भन्ने विषयलाई केन्द्र गरेर अनिर्वान भट्टाचार्यद्वारा लेखिएको पुस्तक द हिल्स आर बोर्निङको दार्जिलिङमा विधिवत लोकार्पण गरियो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कालमा आखिर के भएको थियो भन्ने विषयमा वर्तमान युवा पिँढीलाई थाहा छैन यसै कारण पनि यो पुस्तक लेख्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् हम पहले मैं सोच रहा था कि ये किताब इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि नए जनरेशन जो है उनको पता नहीं है कि आंदोलन में हुआ क्या था कि दूसरी बात यह है कि मेरा किताब जो है गोरखालैंड का जो आंदोलन है उसका इम्पैक्ट क्या रहा लोगों के ज़िंदगी के ऊपर उसके बारे में है इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल लेसन ऑन आंदोलन सोल्यूशन फॉर गोरखा लैंड नो इट इज अबाउट द पीपल और उनकी जिंदगी uh, में क्या uh, तनाव आया उसके ऊपर है और ये सब स्टोरीज uh, हिस्ट्री में आप पाएंगे नहीं क्योंकि uh, उस जमाने का जो सरकार था या जो भी था वो उन्होंने वाइप आउट कर दिया है और क्योंकि ये मामूली इंसानों का स्टोरी है तो वो कभी मैंशन ही नहीं हुआ है, है ना Um, जैसे बारह साल का जीना थापा की स्टोरी है या या डेविड अंकल जो डेविड मुखिया की स्टोरी है ये सब यू वॉन्ट गेट इट इन हिस्ट्री बुक्स और और इन यू नो ऑन द इंटरनेट तो आई वॉन्टेड ऑर्डिनरी स्टोरीज टू कम आउट क्योंकि क्या होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में जो है um, आम जनता ही फंसता है बीच में और uh, आंदोलन के दौरान बहुत आ, आम जनता जो है सफ़र किया है तो उसके बारे में मुझे लिखना था और ये भी था कि मेरा बोर्डिंग स्कूल का लाइफ जो है दोस्तों के साथ शरारत वाली लाइफ जो था तो उसके बारे में भी लिखना था और ये किताब जो है ये, ये कालिम के लिए लिखा हुआ है टू द पीपल ऑफ कलिम तो, तो जो, जो भी आपने इसमें आपका लव स्टोरी प्लस आंदोलन लिखा है आपने इस किताब में कोई ऐसा चीज है जो आप लिख नहीं पाए आपके मन में था आपने देखा था उस टाइम में जो लिख नहीं पाए तो नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है आम, मुझे आम, जितना लिखना था वो मैंने लिखा देखिए और क्या है कि आंदोलन के जब आप आंदोलन के बात करें तब तो इतने सारे स्टोरीज हैं करोड़ों में स्टोरीज है Uh, क्योंकि हर हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो uh, इतने सारे स्टोरीज हम कैसे इंक्लूड करें या मैं जान भी नहीं पाऊंगा है ना तो जितना मैं रिसर्च किया जितना मैं जानता था तो uh, उतना ही मैंने लिखा और uh, मैं चाहता हूं कि जो uh, और ऑथर्स हैं रीजन के वो भी uh, लिखे ह्यूमन लाइफ के ऊपर और ह्यूमन स्टोरीज के ऊपर क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट um, है ये ह्यूमन स्टोरीज के बारे में जानने के लिए जो अभी तक डिस्कस uh, नहीं हुआ है आपको नहीं लगता कि ये आपने बुक तो रिलीज कर दिया इसको उसको कोई वीडियो फॉर्मेट में स्टोरी uh, रखना है हर टाइप के लिए रखना किसी ने नहीं नहीं नहीं? एक एक्स uh, इंडियन आर्मी जो है ऑफिसर ने बहुत ही आ, आ, अच्छे से लिखा कि वो चाहते हैं कि ये जो किताब है ये ऑफिशियल आर्काइव में डाला जाए क्योंकि इतने अच्छे से डिटेलिंग किए गए स्टोरीज तो इट शुड बी इन ऑफिशियल आर्काइव ऑफ द गोरखा मूवमेंट मैं तो चाहता हूँ कि ये ये वीडियो में उतर आए स्टोरी मेरा राइटिंग स्टाइल भी बहुत विजुअल है तो आप जब पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं आप आप एक पिक्चर देख रहे हैं एक एक दोस्त ने भी कहा कि आई आई फिनिश्ड वॉचिंग हिल्स आर बर्निंग इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई फिनिश्ड रीडिंग हिल्स आर बर्निंग तो uh, मैं तो चाहूँगा कि ये एक सीरीज बने या फिल्म बने आप ये यहाँ पर तो जितना भी रीडर्स हैं पर तो नेपाली लैंग्वेज में वो लोग पढ़ते हैं। नेपाली लैंग्वेज से कोई सोच है आप इसको ट्रांसलेट करने के लिए हाँ जी ये तो बहुत ज़रूरी है कि नेपाली लैंग्वेज में होना चाहिए इसका अनुवाद होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर रीडर्स जो हैं नेपाली में पढ़ना पसंद करते हैं तो मेरा तो कोशिश अभी चल रहा है कि ये मैं एक नेपाली एडिशन भी निकालूं और अनुवाद करूं इसको तो आई एम होपिंग कि हो जाए जल्दी जल्दी तो आपने जो ये किताब जो लिखी है ये तो खाली है पहाड़ी से दार्जिलिंग कालिम्पुंग एरिया के लिए खाली है ये इशू जो है आपने चूज किए लेकिन बाहर में तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर में जितना भी है लेकिन बाहर से रेस्पॉन्स ज्यादा मिल रहा है सुनने सुन में आए हाँ क्या, क्या क्यों क्यों क्योंकि युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट या लव या बच्चों का कहानी ये यूनिवर्सल है है ना ये आ, सब उनके साथ इमोशनली अटैच होते हैं अगर एक आपको आपके सामने अगर एक प्यारा सा बच्चा लाया जाता है और वो गूगू गूगू करता है तो आप बोलेंगे ओह हो हो वही बच्चा अगर अमेरिका में भी सामने किया जाए तो वो भी बोलेगा ओ oh, हो oh, हो oh. तो एक कुछ यूनिवर्सल स्टोरीज और थीम्स हैं जो आ, हर जगह और हर कंट्री के लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है इसीलिए Uh, ये uh, किताब जो है यूएसए में नंबर वन uh, uh, के पोजीशन uh, पे डेब्यू किया इंडियन राइटिंग अमेजोन में ऑस्ट्रेलिया में, में किया है इंडिया में किया है uh, तो मुझे लगता है इसी दौरान ऐसा नहीं है कि लोगों को uh, क्योंकि वो जानता नहीं है उनको पढ़ना नहीं है नहीं ये भी हो सकता है कि जानना नहीं जानते नहीं है तो इसीलिए उनको uh, एक इनक्विजिटिवनेस होता है कि मैं पढ़ के जानूँ क्या हुआ था हुँ, हुँ, हुँ. तो ये कितना कितना टाइम फ्रेम का है ये जो 1986 से शुरू होके कितना तक का है अब मेन स्टोरी जो है दो साल का है 86 टू 88 लेकिन इट गोज बैक टू 1960 एंड इट गोज फॉरवर्ड टू 2022 23 एज वेल लेकिन मेन जो स्टोरी है वो दो साल का है उसके बाद भी दो हजार सेवन क्या हुआ बार हाँ, बार हाँ, बार क्या बार हुआ था, बार 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 था बार जो कैरेक्टर्स है Uh, किताब के एंड में मैंने एक अपडेट uh, दिया हुआ है कि अब ये पोजीशन है um, लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल किताब नहीं है और आंदोलन um, uh, का हिस्ट्री का भी uh, किताब नहीं है तो इसीलिए आई डिड नॉट वांट टू गिव हिस्ट्री सो मच एज द इमोशन ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि आपने तो फेस किया है एजुकेशन फेस भी किया है आपको लगता है कि जो आंदोलन मैने गोखलैंड होना चाहिए गोखलैंड या क्या है उस क्या क्या पर्सनल व्यक्तिगत विचार ये है कि मैं एक लेखक हूँ और क्योंकि ये मेरे साथ एक्सपीरियंस और मेरे साथ भी नहीं मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है था तो इसीलिए ये किताब मैंने लिखा आ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तो आ, लीडर्स जो है वो डिसाइड करेंगे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और उद्देश्य नहीं एक ही कंसर्न है कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है क्या उनको नौकरी मिलेगा क्या उनके गैस के सिलेंडर का दाम पंद्रह सौ से लेके आठ सौ होगा या उनको सैनिटेशन मिलेगा क्या बाटो ठीक हो सके ना है So that is the entire thing of uh, when we talk about revolution and, and we get you know lost in big things. Um, we often forget of how the common people suffer and the needs of the common people. <laughs> तपाईँले किताब लेख्नु जोसम्मको र अहिलेको स्थिति आजको दिनसम्मको हेर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको त अन्तर पाउनुहुन्छ कति माथि गयो या तल झऱ्यो हाम्रो राजनीतिक स्तर या अन्य अन्य राजनीति होइन तर म म सिभिकमा कमेन्ट गर्छु सिभिक सेन्समा अनप्लान्ड कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ नट ओन्ली इन कालिम्पोङ दार्जिलिङमा पनि हुँदैछ पहाड सबै जग्गामा हुँदैछ इट इज अ डेन्जर टु द हिल्स you know, unplanned uh, construction, uh, civic planning sign, sanitation China, overcrowded, uh, I remember Kalimpong main road, it used to be quite empty. Now, one side the cars are parked then you're going through the other side, even Darjeeling, you know, it used to be relatively empty. Um, that is my main thing, you know, of the change that you see, visible change. The uh, change uh, हुँदैछ कोही सिभिक प्लानिङै छैन अनि लेटर वान इट विल बिकम भेरी प्रब्लम इट्स अलरेडी अ प्रब्लम पानी छैन है दार्जिलिङ सफरिङ कालिम्पोङ पनि सफ सफर गर्दैछ यु नो माई फेभरेट सिन इज द वाटर पाइप्स अफ एउटा पाइप आउँछ जहाँ फाइभ हन्ड्रेड पाइप्स आर एट्याच टु द्याट वान पाइप यु नो एन्ड देन यु गिभ मनी अल्सो फर मेन्टेनेन्स दा मेरो पाइप हेरौँ पानी आउँदैन घरमा then he that person knows which pipe is your pipe you know among the 500 pipes you know so it is we need to have civic planning we need to protect the hills you know environment or protect on parni nanya ke any project haru yo pahala lera kunai sochna hos jasto writing mai paye paye pani हैन अब अग्ला मेरो जो दुईटा किताब आउँदै छ एउटा छ हरर भूत प्रेतको विषयमा रियल हन्टिङ्स अन्त सेकेन्ड किताब जुन चाहिँ एक पहाडको कालिम्पोङको सन्तान अन्त भेरी ट्यालेन्टेड सिनेमोटोग्राफर विनोद प्रधान दाई दाईको म अटोबायोग्राफी लेख्दैछु अहिले सो आइ एम राइटिङ हिज अटोबायोग्राफी सबैको थाहा छ विनोद प्रधान दाई देवदास हिज सर्ट देवदास एन्ड परिन्दा एन्ड नाइन्टिन फोर्टी टु लभ स्टोरी He's a fantastic cinematographer. So I'm writing his autobiography because also we belong to the same school, DGH. So, Bas, um, please read the book. It's called The Hills Are Burning. Um, and I hope you like it. Uh, Namaskar.